टेरी बांध निर्माण कार्य के दौरान कई स्थानीय लोगों की संपत्ति जलमग्न हो गई थी और उनको इसके बदले जमीनें व 5-5 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन अब कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। हालांकि उनको उनकी जमीनों के बदले पैसे व जमीनें दिए गए थे, उस दौरान कई लोगों ने पैसे लिए व कईयों ने जमीनें ली, लेकिन अब स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके बच्चों को नौकरी भी दी जाए और पैसे वापस लेकर उनको जमीन मुहैया कराई जाए। बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों का हो गया ना, वो 4 एकड़ जमीन खरीदेगा अपने नौकरी से कमा के, वही आंदोलनरत महिलाओं का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। रणनीति हमारी ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं तब तक हम कैसे यहाँ से उठ सकते हैं, कैसे हम यहाँ से जा सकते हैं। ये भी तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि गरीब लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। सभी लोग जानते हैं गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है। कब से बैठ रखे हम यहाँ लोग, यहाँ सब लोग इतनी माँ बहन ये बैठ रखे हमारे, सरकार को भी तो सुनना चाहिए कि कितना घोर अन्याय हो रहा है इनके साथ। वही एके शर्मा उप प्रबंधक TADC का कहना है कि इस दौरान कईयों ने पैसे लिए और कईयों ने जमीनें, लेकिन अब यही लोग इसके विरोध में उतर आए हैं और उनकी मांग है कि उनको अब जमीनें मुहैया कराई जाए और पैसे वापस लिए जाएं। एक मांग जो है किसी भूमि की है और किसी भूमि के लिए जो है इन्होंने क्या किया था, इनको जो है पात्र बनाया गया था, तो इन्होंने उसमें 2000 में के आसपास जो उनका हुआ था, तो इन्होंने उसमें ये पुनर्वास नीति के तहत ऑप्शन थे या तो कैश कंपनसेशन लो या तो 2 एकड़ जमीन लो। तो इन्होंने उस समय जो है 2 एकड़ जमीन न लेने के बजाय जो है इन्होंने 5 लाख रुपए का कैश कंपनसेशन लेने का एफिडेविट लिख के दिया है पुनर्वास विभाग को और उन्होंने जो है 5 लाख रुपए इनको भूमि के लिए दे दिया। आज की तारीख में ये क्या कहते हैं कि वो 5 लाख रुपए हमसे वापस ले लो, हमें 2 एकड़ किसी भूमि दो। देवभूमि न्यूज के लिए देहरादून से पवन नेथानी की रिपोर्ट।